हाई एवरी वन वेलकम बैक टू जी गय टोडे आई एम नुजर दिस साइड यूर मेटोर एन एजुकेटेड सो बेसिकली वी आर डूइंग द सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑफ एस एस सी सी जी एल एग्जामिनेशन एंड टुडे इट्स डे टेन ओके आज डे टेन के साथ साथ हम लोग हंड्रेड क्वेश्चन कम्प्लीट कर लेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप कॉमेंट करते हैं जो भी मैं क्वेश्चन वीडियो के दौरान पूछती हूँ आप उन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं कॉमेंट में डेफिनेटली आई रीड दैट और मुझे अच्छा लगता है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं इट मीन्स यू आर एन अवेयर स्टूडेंट एंड जब एग्जाम के टाइम में ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको सोचने में ओके okay? एक्चुअली होता ही है जब हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं जैम हो जाता है और वो सोचने की एबिलिटी खो देता है इसलिए आप पढ़ने के पढ़ने के साथ साथ अगर पीछे का भी रिवाइंड करते हैं अगर आपसे कोई तुरंत क्वेश्चन पूछ रहा है आप तुरंत आंसर करने के लिए अपने माइंड को एक सेकेंड के लिए फोर्स करते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट है इससे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आपको पेपर टैकल करने में नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्वेश्चन नंबर वन हु इज ऑथराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट यानी जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके बीच में जो जजेस होते हैं अगर उनको एक्सचेंज करना है या फिर किसी जज को किसी हाई कोर्ट से उठा के किसी और में शिफ्ट करना है तो ये पावर किसके पास होती है द प्रेसिडेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अ कलीजियम ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर द लॉ मिनिस्टर करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ठीक है प्रेसिडेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है एग्जाम में दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और आप एक बात और याद रखिएगा जैसे वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जाता है या फिर चीफ जस्टिस को हटाया जाता है तो उनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज होता है ठीक है दिस वर्ड इज ओनली मेंट फॉर प्रेसिडेंट ओके और ये कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल नंबर सिक्सटी वन राइट हाई कोर्ट्स की अगर बात करें तो टोटल हाई कोर्ट्स अभी इंडिया में प्रेजेंट में कितने हैं 25 और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज भी होता रहता है और अगर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करें तो वो कौन सा है कलकत्ता हाई कोर्ट ओके जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कभी पॉलिटी डिटेल में और वहाँ हम जब पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन सेवेंटी थ्री वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र होगा कलकत्ता हाई कोर्ट वहाँ पे आप इसके बारे में सब कुछ समझेंगे ओके okay? अभी के लिए बस इतना ही काफी है क्वेश्चन नंबर टू मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच मिल्क एक कोलाइड्स है जिसमें क्या होता है वाटर इज डिस्पर्स इन फैट क्या वाटर डिस्पर्स होता है फैट फैट में इज डिस्पर्स इन वाटर या फिर फैट एंड वाटर आर डिस्पर्स डिस्पर्स इन ईच अदर दोनों एक दूसरे में ही dispersed होते हैं या फिर फैट इज द करेक्ट आंसर इज फैट इज डिस्पर्ज इन वाटर फैट होता है उसका वो पूरा वाटर के अंदर डिस्पर्स होता है सबसे पहले बात करते हैं वाटर कोलाइट कोलाइट क्या होते हैं इट इज अ होमोजिनस नॉन क्रिस्टलाइन ये वर्ड्स याद रखिएगा ठीक है सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स डिस्पर्ज इन सेकेंड मीडियम ओके दो तरह के मीडियम्स होते हैं इसमें एक जो घुल रहा होता है और एक होता है जो जिसमें घुल रहा होता है ठीक है इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम एंड इसको बोलते हैं डिस्पर्ज पार्टिकल्स ओके एक चीज और याद रखिएगा आप अगर सपोज ये भी लिक्विड है एंड ये भी लिक्विड है अगर लिक्विड इज डिस्पर्ज इन टू लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम तो दैट इज कॉल्ड इमलशन देन ठीक है इमल्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा दोनों ही इसमें मीडियम जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं ऑल राइट right? so, अपने ऑयल प्लस वाटर कर दिया ठीक है किसी लिक्विड में लिक्विड को मिला तो दैट इज नोन एज इमल्शन ऑल राइट क्वेश्चन नंबर थ्री क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ क्यूरी किस चीज़ की, की यूनिट है रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर हीट या फिर एनर्जी करेक्ट आंसर इज रेडियो एक्टिविटी यूनिट्स फिजिक्स का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अगर क्यूरी की बात हो रही है तो यहाँ पर एक मैडम का आपको नाम याद आ रहा होगा मैडम क्यूरी और ये क्वेश्चन हम लोग ने पीछे किया भी है इनको दो डिसिप्लिन में नोबल प्राइज मिला था याद है फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमेस्ट्री राइट और अगर कुछ और यूनिट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल पावर की यूनिट क्या होती है वॉट यहाँ पे मैं वो लिख रही हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं देन देर इज फोर्स फोर्स की यूनिट होती है जूल देन प्रेशर प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल और प्लीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं ऐसा ही यूनिट लिख रही हूँ ओके okay? क्योंकि सी जी यूनिट भी होती है लेकिन वो आपको नहीं बतानी है जैसे इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सी जी यूनिट मैंशन होगा सिर्फ उसी केस में आप बताएंगे अदरवाइज आप मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में ऐसा ही यूनिट पूछ रहा है देन फोर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड इसकी यूनिट होती है टेस्ला एंड देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट सेम होती है तो दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी ओके एंड इसकी यूनिट क्या होती है जूल ये क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं शायद ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा एंड सिक्स वन इज़ एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ टॉक के साथ एक कौन सी क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट सेम होती है ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथिल एल्कोहल इज इस ये भी हम लोग पीछे कर चुके हैं कहीं इन्वर्टेज मेल्टेज जाइमेज या फिर डाइजेस्टेज द करेक्ट आंसर इज जाइम कि एक दिन हम लोग जब बहुत आगे निकल जाएंगे सपोज डे फिफ्टी डे हंड्रेड में पहुँच जाएंगे तो ये हम लोग हर क्वेश्चन में बोलेंगे कि ये तो पीछे करा जा चुका है ये तो पीछे करा जा चुका है है ना अभी देखिए सिर्फ डे टेन हुआ है और कितने क्वेश्चंस में मैंने ये चीज़ बोली है कि ये चीज़ हम लोग पीछे कर चुके हैं तो ऑब्वियसली ये सीरीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको सीरियसली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो सो कमिंग बैक मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ग्लूकोज टू एथिल एल्कोहल ये कौन सा एंजाइम करता है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अगर एंजाइम्स की बात करें तो वो क्या होते हैं दैट आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड ऑफ द प्रोसेस ओके और जहां पे भी इसकी निशानी क्या होती है जहां पे भी एज वर्ड जुड़ जाएगा किसी वर्ड के साथ दैट इज एंजाइम, ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एज नोबल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किंसंस डिजीज पार्किंसंस डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट डेवलप किया गया उसके लिए इनमें से किसको नोबल प्राइज दिया गया था एडविड कार्लसन वाल्टर कॉर्न रॉबर्ट बी लॉफलिन या फिर फेरिड मुराद द करेक्ट आंसर इज वॉल्टर कॉन बेसिकली पार्किसेंस डिजीज में होता क्या है ये एक तरह की ब्रेन की बीमारी होती है ब्रेन डिजीज और इसमें क्या हो जाता है डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर नोबल प्राइज़ की बात हो रही है तो हम अलेक्जेंडर फ्लैमिंग को कैसे भूल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन था शायद ये हमारे फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एस एस सी का जिन्होंने पेनिसिलिन के लिए नोबल प्राइज जीता था इन नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट राइट नोबल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ हमेशा बताती हूँ सबसे पहले लिटरेचर में इस बार किसको मिला था लुइस ग्लिक एंड ये कहाँ के हैं यूएसए के हैं और पीस ने किस किसको मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रोम इटली ठीक है तो ये दो चीज जरूर आपको याद रखनी है नोबल प्राइज 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सिक्स बुकर प्राइज इन इज गिवेन इन द फील्ड ऑफ जो बुकर प्राइज होता है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है मेडिसिन एडवेंचर फिक्शन राइटिंग या फिर साइंस द करेक्ट आंसर इज फिक्शन राइटिंग कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बुकर प्राइस किससे रिलेटेड है तो प्लीज मत भूलिएगा लिटरेचर से रिलेटेड है यानी जो लोग लिखते हैं उनको मिलता है बुकर प्राइस और अगर हम बुकर प्राइस ट्वेंटी की बात करें तो वो अभी रिसेंटली किसको मिला है सुगी बैन को मिला है ठीक है और इनकी बुक का क्या नाम था जिसकी वजह से इनको मिला था वो थी डगलस स्टुअर्ट तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है बुक भी और इनका खुद का नाम भी इसके साथ साथ देखिए मैन बुकर एक होता है एक होता है बुकर प्राइस सबसे पहले एक होता है मैन बुकर एंड देन एक होता है मैन इंटरनेशनल बुकर तो ये तीनों अवार्ड अलग अलग हैं प्लीज़ आप इनको कंफ्यूज मत करिएगा और आप इनके बारे में भी गूग, गूगल करके पढ़िएगा कि इनको 2020 में ये दोनों अवार्ड किसको मिले थे ओके क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन लेक्स देख के आई होप आपके चेहरों पर स्माइल आ जाएगी क्योंकि स्टैटिक जेके में फर्स्ट फर्स्ट डे हमने लेक्स कवर की थी और ये लेक वहाँ पर थी ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश कर्नाटका मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान द करेक्ट आंसर इज राजस्थान आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने लेक्स क्यों करवाई थी वहाँ पे इस तरह अब एक नंबर के क्वेश्चन आपके हमेशा श्योर sure शॉर्ट होंगे राइट right? लेक्स के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं सबसे पहले माई फेवरेट पुलिकट लेक कहाँ है आंध्र प्रदेश देखिए एक्चुअली ये दो स्टेट्स के बीच में आती है लेकिन फिर भी हम लोग इसको मोस्टली आंध्र प्रदेश मानते हैं ओके देन देर इज डॉल लेक एंड वुलर लेक ये दोनों लेक्स कहाँ की हैं जम्मू कश्मीर देन वन मोर पेरियार लेक ये है केरला में एंड लास्ट वन इज नागिन लेक दैट इज इन जम्मू कश्मीर ठीक है और बाकी वो लेक वाली वीडियो आपको पूरी याद ही होगी आई बिलीव कमिंग टू क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ कब हुई थी इंडिया से 1848, 1853, 1875 या फिर 1880. करेक्ट आंसर इज 1853. दो क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं फर्स्ट वन ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गई थी तो आप ये याद रखिए बॉम्बे टू थेन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट जैसे सी का आया हुआ क्वेश्चन है एंड सेकेंड इसको किसने इनिशिएट किया था तो इट वॉज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड डेलाउजी तो ये नाम भी आप याद रखिएगा मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज द एज फ्रॉम विच सर्टन कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विनिंग गोल्ड मेडल्स एट इंटरनेशनल लेवल आर एंड टाइटल टू रिसीव पेंशन यानी कुछ कैटेगरी स्पोर्ट्स की ऐसी है जिसमें अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उसके बाद कौन सी एज के बाद कौन सी एज पे पहुंचने के बाद आप आपको पेंशन मिलने लगेगी थर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स इयर्स करेक्ट आंसर इज फोर्टी इयर्स तो ये मैंने चेक नहीं किया कि अभी भी ऐसा है कि नहीं अगर ऐसा है तो फोर्टी ईयर्स ही इसका आंसर हो जाएगा ओके कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूसड इन इंडिया सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ पे आई थी कोलकाता दार्जिलिंग मुंबई चेन्नई अगर आपको सिर्फ ये पता था कि वेस्ट बंगाल में है तो आप कोलकाता और दार्जिलिंग में कन्फ्यूज़ हो सकते थे तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए एंड दैट इज दार्जिलिंग ठीक है ये कहाँ पे है वेस्ट बंगाल में एंड वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकाता प्रेजेंट में अगर बात करें यहाँ पे सीएम कौन है ममता बनर्जी जी एंड गवर्नर कौन है यहाँ पे जगदीप धनकर ठीक है एक बात और दार्जिलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है ठीक है टी के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है तो ये भी आप याद रखिएगा सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड आई होप यू हैव लाइक द सेशन ऑल्सो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जी के टुडे चैनल विद दिस मीन साइनिंग ऑफ बाय गाइज